माँ अम्बे में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुंभ राशि के अप्रैल महीने में ग्रहों के गोचर के बारे में चर्चा करेंगे। यह कुंभ राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अप्रैल के महीना में कुंभ राशि कैसा रहेगा, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले ग्रहों का गोचर इस प्रकार है कि आपके द्वादश भाव मकर राशि में शनि और मंगल हैं, लगन में आपके गुरु और शुक्र हैं, धन भाव में मीन राशि में सूर्य और बुध का गोचर रहेगा, और आपके केंद्र भाव चतुर्थ भाव में राहु और कर्म भाव दशम भाव में केतु का गोचर रहेगा। इस महीने में ग्रहों का लगभग सभी ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शनि 29 अप्रैल को मकर राशि द्वादश भाव से लग्न में कुंभ राशि में अपने मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे। मंगल 27 अप्रैल को लग्न भाव में अपने कुंभ राशि में आ जाएंगे। गुरु 13 अप्रैल को लग्न भाव से धन भाव अपने स्वराशि मीन राशि में गोचर करने लगेंगे। बुध 8 अप्रैल को तृतीय स्थान मेष राशि में आ जाएंगे और सूर्य 14 अप्रैल को तृतीय स्थान पराक्रम भाव में उच्च के होकर मेष राशि में गोचर करने लगेंगे। राहु 12 अप्रैल को केंद्र स्थान से निकलकर तृतीय स्थान मेष राशि में गोचर करने लगेंगे और केतु दशम भाव से एकादश भाव लाभ भाव में केतु कर्म भाव में वृश्चिक राशि से निकलकर और वो अपनी तुला राशि भाग्य स्थान में गोचर करने लगेंगे। इस तरह से सभी ग्रहों का अप्रैल के महीने में राशि परिवर्तन हो रहा है, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबसे पहले अगर स्वास्थ्य की बात करें तो लगन में आपके गुरु और शुक्र हैं, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। गुरु और मंगल के आने से आपके पेट संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, वो भी 12 अप्रैल से पहले तक। जब गुरु आपके द्वितीय स्थान धन भाव में चले जाएंगे तो आपका स्वास्थ्य उसके बाद आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शनि द्वादश भाव में विचरण कर रहे हैं, 29 अप्रैल को वो लगन में आ जाएंगे तो आपका स्वास्थ्य और उत्तम हो जाएगा। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का भाव पंचम भाव में है, जिसके स्वामी बुध हैं और बुध आपके द्वितीय स्थान धन भाव में गोचर कर रहे हैं, जो 8 अप्रैल को अपने वो मेष राशि तृतीय भाव में आ जाएंगे। पढ़ाई अच्छी रहेगी, परंतु 8 अप्रैल के बाद थोड़ा सा माइंड आपका कंफ्यूज रहेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। अगर आप पहले से किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर उस पर आपका फोकस है, उस पर आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। अगर लव रिलेशन की बात करें तो लव रिलेशन का भाव पंचम भाव है, जिसके मालिक बुध है और बुध जो है सूर्य के साथ है। लव रिलेशन अच्छा रहेगा। 14 अप्रैल को जब सूर्य मेष राशि में तृतीय भाव में आएंगे तो 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आप बहुत एग्रेसिव रहेंगे, जिस पर आप थोड़ा उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है।
मैरिड लाइफ सप्तम भाव को रिप्रेजेंट करता है। मैरिड लाइफ के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में उच्च के होकर तृतीय स्थान में आ जाएंगे। लाइफ पार्टनर ग्रो कर सकते हैं, कोई नया कार्य कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो अच्छा रहेगा, प्रमोशन मिल सकती है। अगर स्टूडेंट हैं और किसी की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता आपको मिल सकती है। एक बात को ख्याल करें कि मंगल जब लग्न में आ जाएंगे 27 अप्रैल को, तो शनि और मंगल दोनों लग्न में आ जाएंगे, तो छोटी छोटी बातों की कमियां ना निकालें और अपने क्रोध पर काबू रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य और करियर की बात करें तो इसके स्वामी शुक्र हैं, जो नवम भाव के स्वामी है, और कर्म के मालिक आपके मंगल हैं। दशम भाव के आपका भाग्य अच्छा रहेगा, परंतु 25 अप्रैल के बाद आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 25 अप्रैल को शुक्र अपने उच्च राशि धन भाव में आ जाएंगे और गुरु पहले से ही 13 अप्रैल को धन भाव में आ जाएंगे, जिससे कि आपका इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस, धन और लाभ के दोनों के स्वामी गुरु आ जाएंगे, शुक्र उच्च के हो जाएंगे और आप उस समय इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको काफी अच्छा लाभ होगा। और सूर्य भी आपको 14 अप्रैल को अपने उच्च राशि मेष राशि में विचरण करने लगेंगे। अब कुंभ राशि वाले जो विदेश में रहते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि द्वादश स्थान विदेश को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ शनि और मंगल अप्रैल के महीने में लगभग विराजमान रहेंगे, जिससे आप जो विदेश में रहते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, उनका काम अच्छा चलेगा और फायदा होगा। अगर लाभ भाव किया जाए तो आपको लाभ काफी होगा, क्योंकि लाभ के स्वामी आपके बृहस्पति धन भाव में गोचर करेंगे, स्वराशि में रहेंगे और वो आपके हंस स्वराशि में आपके रहेंगे। थोड़ी बहुत जो परेशानी है उसका उपाय यही है कि शनि चूंकि आपके मध्य में आपके शनि का गोचर रहेगा, लगन भाव में गोचर रहेगा, तो उस समय थोड़ी बहुत व्यवधान आपके आ सकती है, इसलिए शनि का बीज मंत्र करें सूर्यास्त के बाद। चंद्र का बीज मंत्र करें 108 बार डेली आप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसी के साथ मैं आज कुंभ राशि के वक्तव्य पर विराम लगाता हूँ। धन्यवाद।